हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला जो ब्लॉग होने वाला है, ये चाक और बात की मंडे की सब इसमें रस्में होने वाली है। तो यहाँ पे मैं तेल उतारने की रस्म कर रही हूँ। चिल्लर को पानी गिरा, ठंडा ठंडा लग रहा होगा। बस हो गया, बस बस ले करना। अब ताले जीरा, माने मामा का हाथ पकड़ लो। और यहाँ पे हम लोग रेडी होके निकल गए हैं चाक भोजन के लिए। तो मम्मी हम सब लोग पार्क में जा रहे हैं, और यहाँ पे जो बैठी हैं नीचे वो कुमारी हैं, तो वो लेके आती हैं चाक भोजन की जो रस्म है वो उनके द्वारा की जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे ताई जी लगी हुई हैं ढोल पे डांस करने।
और यहाँ पे मैं और हमारे नंदोई जी हम दोनों डांस कर रहे हैं, और ये हमारे मामा की तरफ से हमारे मेहमान हैं, तो हम लोगों ने भी जम के डांस करा दोनों ने। यहाँ पे ये काम में इतने बिजी थे, मैंने कहा थोड़ा मेरे साथ में डांस करो, तो ये थोड़ा सा करके चले गए। फिर भाप भी गई, वो दोबारा पकड़ के लाई इन्होंने, फिर मेरे साथ डांस किया ढोल पे। ये बाद में बंदे ना तम दो दो मिनट आगे से तो बंदे मेरा भी टाइम है एक साइड बांधो कहीं भी ये सेंटर में बन जाएगा जी यहां पे ठीक है नमस्ते भैया जी नमस्ते कैसे हो बढ़िया बताओ चलो भैया होनी थी बात की रस्म। तो हमारे सारे जितने भाताइयाँ थे, जितने हमारे मामा मामी थे, सब आ चुके थे। Thank you.
यहाँ पे बात लेते टाइम ऐसा हुआ था कि मम्मी इमोशनल हो गई थी और रोने लगी थी बहुत ज़्यादा सबको देख के। और होता ही है जो अपनों के देखते हैं ना वो फीलिंग जो आती है वो मतलब भावना ही अलग होती है उनको देख के। तो यहाँ पे सब मामा जी हैं और यहाँ पे बड़े मामा जी पहले खड़े हुए हैं यहाँ पे बात के लिए, तो उनका न्योता पहले लिया जा गया है सबसे पहले, वो सबसे बड़े हैं। सो गाइज नेक्स्ट व्लॉग में आपको और आगे को देखने को मिलेगा। अपने व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। सो टिल देन बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।